भारत के लिए कप्तान कोहली और सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने चौथे विकेट के लिए 90 रन जोड़कर भारत को खराब शुरुआत से उभार दिया। विराट ने 68 और मुरली विजय ने 53 रन बनाए। दोनों के पवेलियन लौटने के बाद केएल राहुल के 58 और दिनेश कार्तिक के छठे विकेट के लिए 114 रनों की अटूट साझेदारी की। वहीं हार्दिक पांड्या अभी 33 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे हैं। भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन अपनी पारी की तीसरी गेंद पर विकेटकीपर जेम्स फॉस्टर को कैच दे बैठे। उन्हें मैट कोल्स ने आउट किया। कोल्स ने अपने अगले ओवर में खराब फॉर्म से जूझ रहे चेतेश्वर पुजारा को भी पवेलियन की राह दिखा दी। उनका कैच भी फॉस्टर ने ही लपका। इसके बाद लगभग 15 ओवर में एसेक्स के गेंदबाजों को सफलता नहीं मिली, लेकिन रहाणे भी 17 रन बनाकर मैथ्यू क्वीन की गेंद पर फॉस्टर को कैच देकर पवेलियन चलते बने। मुरली विजय को कप्तान कोहली के रूप में इसके बाद उम्दा जोड़ीदार मिला। विजय ने जहां विकेट पर टिक कर बल्लेबाजी की, वहीं कोहली ने खुलकर बल्लेबाजी करते हुए आकर्षक शॉट खेले। विजय ने क्वीन की गेंद पर चौके के साथ 104 गेंद में अर्धशतक पूरा किया, जबकि कोहली ने पॉल वॉल्टर की गेंद पर लगातार दो चौकों के साथ 67 गेंदों में 50 रन पूरे किए। विजय हालांकि अर्धशतक पूरा करने के बाद वॉल्टर की गेंद पर बोल्ड हो गए। कप्तान कोहली भी इसके बाद अधिक देर तक नहीं टिक सके और वॉल्टर की गेंद पर वरुण चोपड़ा को कैच देकर पवेलियन लौट गए। राहुल और कार्तिक ने इसके बाद तेजी से बल्लेबाजी की। दोनों ने कमजोर गेंदों पर शॉट्स खेले और बल्लेबाजी के लिए आसान हो चुके हालात का पूरा फायदा उठाया। राहुल ने 77 जबकि कार्तिक ने 51 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। राहुल हालांकि जब काफी अच्छी लय में दिख रहे थे, तब बाएं हाथ के स्पिनर आरोन निज्जर की गेंद पर मैट डिक्सन को कैच दे बैठे। उन्होंने 92 गेंदों का सामना करते हुए 12 चौके जड़े। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस